तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कम बैक टू चैनल। स्वागत है आपका फिर से एक प्यारी सी वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी बजाज पल्सर N60 के बारे में बात करने वाले हैं। आज पूरी डिटेल शेयर करने वाले हैं। 2024 का मॉडल है, उसकी पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर तुमको मिलने वाली है। मेरे साइड में तुम देख सकते हो अपने बाइक खड़ी है। तो आज की वीडियो में तुमको पूरी डिटेल देने वाला हूं कि इस बाइक के अंदर क्या क्या फीचर्स रहते हैं, क्या क्या फीचर्स नए एडिड हुए हैं, क्या क्या इसके अंदर अपडेट्स हैं, और क्या क्या मतलब कि पहले वाली के अंदर अंतर था और इसके अंदर क्या अंतर है, और पहले वाली बाइक के अंदर क्या खराबी थी और इसके अंदर क्या अच्छाई है। तो आज की वीडियो में हम पूरी बात यही शेयर करें। बेसिकली बात करी जाए तो इस बाइक के अंदर जो फीचर्स एडिड हुए हैं वो बेसिकली इसके फेस के अंदर एडिड हुए हैं और इसके अंदर लाइट के अंदर एडिड हुए हैं। अभी तुम देख सकते हो ये वाली NS 160 अपनी ये वाली और इससे जो पहली वाली थी उसके अंदर जो बेसिक डिफरेंस ये है कि अपना फेस के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि उसके अंदर पहले हैलोजन बल्ब्स वगैरह आते थे, बट इसके अंदर जो है पूरा चेंज करके LED इंडिकेटर्स वगैरह और भी इसके लाइट्स वगैरह सब कुछ वही कुछ दे चुकी है इसके अंदर। अभी अगर तुम देखोगे तो इसके अंदर जो पूरी लाइट्स वगैरह वो तुमको LED के अंदर मिलेगी, बट ये जो है ऑन होने के बाद चलेगी इसके अंदर, ये देख लो। तो इसके अंदर सारी जो लाइट्स वगैरह वो सारी LED वाली मिलने वाली है। तुमको हैलोजन बल्ब्स का यूज़ नहीं किया गया है, ना ही इंडिकेटर में यूज़ किया गया है, ना ही हेडलाइट के अंदर यूज़ किया गया है। सारी चीज़ें जो मेन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो RS के अंदर 5-6 साल से आ रही है भाई, जो मैं खुद राइड करता हूं, बेसिक तो यही रीज़न है मतलब कि उसके अंदर हैलोजन बल्ब्स वगैरह आते हैं, बट इसके अंदर LED इंडिकेटर्स वगैरह का और लाइट्स वगैरह का यूज़ किया गया। ये एक बहुत अच्छा अपडेट इस बाइक के अंदर दिया गया। दूसरी चीज़ की बात करी जाए तो इसके अंदर मीटर के अंदर बात कर लेते हैं भाई। जो अपने को मेन अपडेट मिला इसके अंदर मीटर के अंदर मिला है, पहले अपन देखते थे इसके अंदर डिजिटल और एनालॉग वाला अपना मीटर आता था, बट ये है कि भाई इसको पूरा चेंज करके इसके अंदर डिजिटल वाला पूरा मीटर दे चुका है अपने इसके अंदर। बट इसके अंदर नए फीचर्स ऐड किए गए हैं भाई, जैसे ना फ्यूल टू एम्प्टी वगैरह ऐड कर किया गया इसके अंदर। यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे फ्यूल टू एम्प्टी वगैरह आ जाता है इसके अंदर, कितना एवरेज चल रहा है, कितना चलेगी ट्रिप, ट्रिवन सब वो चीज़ें मिल जाएंगी तुमको। एक नई चीज़ और इसके अंदर ऐड हुई है भाई, वो हुई है ब्लूटूथ कनेक्टिविटीज बाइक के अंदर। तुम फोन वगैरह सब कुछ अपने ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे स्विच वगैरह भी दिया गया। अगर तुमको इसको फोन को पिकअप वगैरह करना है तो यहाँ से तुम पिक कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। और भी अपनी लाइट्स के अंदर चेंजेस किए गए हैं। देखो मीटर के अंदर जो मेजर चेंजेस हुए हैं वो इसके अंदर पूरा मीटर ही चेंज कर दिया इसका मेनली। इसके अंदर तुम्हारे यहाँ पे 3-4 लाइटें मिल जाएगी अलग अलग कंट्रोल के साथ, रेड लाइट मिल जाएगी, ग्रीन लाइट मिल जाएगी और एक ब्लू लाइट मिल जाएगी अलग अलग। और बाकी पूरी का बात करी जाए तो इसके अंदर अपने को यहाँ पे से चीज़ें मिल जाती है कि यहाँ पे सब कुछ चीज़ें मिल रही है अपने को। ABS वगैरह की लाइट मिल रही है, इंजन लाइट मिल रही है, न्यूट्रल लाइट मिल रही है और सारे अपनी सारी चीज़ के अंदर पूरी दी गई है जो कि अपने एनालॉग के अंदर दी जाती थी। ये भी दी गई है भाई कि इसके अंदर जो अपने पहले जो अपने नॉर्मल जो बाइक्स के अंदर अपने चार्जिंग की वो नहीं आती थी, सॉकेट वगैरह नहीं आते थे, बट इसके अंदर एक नई चीज़ दी गई है कि इसके अंदर चार्जिंग का सॉकेट भी दिया गया है, जो कि पर्सनली अब तक की कोई बाइक में मैंने देखा नहीं है। जो कि पुरानी जो बाइक आती 2023 तक की बाइक आती थी, मैंने खुद नहीं देखा, मेरे पास RS 200 उसके अंदर भी मैंने ये चीज़ नहीं देखी। ये इसके अंदर नई चीज़ एडी हुई है, ये सब चीज़ें तुमको है ना एक्सटर्नली बाहर से लगवानी पड़ती है, बट ये जो है कंपनी की तरफ से एक नया इनोवेशन है, एक नई चीज़ है जो अपने को दी गई है इसके अंदर पल्सर के अंदर NS 160 के अंदर। बाकी अब इसकी ब्रेकिंग वगैरह की बात करी जाए तो ब्रेकिंग वगैरह वही रहने वाली है जो अपने पहले आती थी, अपनी मतलब जो अपने डुअल चैनल ABS वगैरह आता था वही सब चीज़ के अंदर रहने वाली है। बाई बेयर की ब्रेकिंग रहेगी नॉर्मली, फ्रंट ब्रेक के अंदर भी, सेकंड ब्रेक के अंदर, पीछे वाले ब्रेक के अंदर भी, रियर और फ्रंट दोनों के अंदर वही ब्रेकिंग वगैरह रहती है। इंजन वगैरह की बात करी जाए तो 160cc का तुमको इसके अंदर इंजन मिलेगा, 14.4 Nm का टॉर्क इसके अंदर तुमको मिलने वाला है जो कि एक बहुत ही अच्छा पावर तुमको फील कराएगा। माइलेज वगैरह की बात करी जाए तो ये कंपनी क्लेम करती है तुमको 52 तक क्लेम करती है, बट ये तुम्हारे राइडिंग एक्सपीरियंस के ऊपर पूरा बेस करता है कि तुम्हारा इसका माइलेज क्या निकलने वाला है। बट ये 40-50 का अपन इसका माइलेज मान सकते हैं नॉर्मली। अगर तुम रेस्ट ड्राइव करते हो तो 40-45 तक का माइलेज तुमको आराम से निकाल के देगी, इन हाईवे 50 से ऊपर का तक भी माइलेज निकाल देगी। लाइट्स वगैरह की बात होगी अपने पूरे इसके अंदर, इंजन की बात होगी, सारी चीज़ बात होगी। अब बात करी जाए इसकी अगर फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की, तो अपने बात करी जाए इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की, तो ये तुमको मिल लेता है 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा तुमको इसके अंदर, जो कि एक फ्यूल टैंक फिल होगा मतलब 1400-1500 के अंदर तुम्हारा फिल हो जाएगा ये पूरा, जो कि चलेगा अप्रॉक्स 400-500 किलोमीटर आराम चलेगा, क्योंकि ये 52 का माइलेज दे रही है। अगर RS की बात करी जाए तो वो चलती है एक टैंक के अंदर, 3 लीटर के टैंक के अंदर 350-400 किलोमीटर चलती है, बट ये उसका माइलेज जो 35 तक का है, बट इसका 52 का माइलेज है, तो ये और भी ज़्यादा चलेगी। सारा बेस तो तुम्हारे ऊपर राइडिंग एक्सपीरियंस के ऊपर है, तुम कैसे इस बाइक को चलाते हो और कैसे तुम्हारा राइडिंग एक्सपीरियंस। अगर फ्रंट टायर की अपनी साइज के बारे में बात करी जाए तो इसका जो टायर साइज मिलता है अपने 100x80 का मिलता है, पीछे वाला जो मिलता है 130x70 का टायर मिलता है। तो मैं इसके टायर की वेट देख सकते हो, यहाँ पे सारी डिटेल दे रखी है टायर की, 100x80 17 नॉर्मल टायर होते हैं, रेडियल टायर वगैरह नहीं होते इन बाइकों के अंदर, रेडियल टायर वगैरह यूज होते हैं डोमिनार वगैरह के अंदर यूज होते हैं, जो कि 4cc तक चले जाती है उसके अंदर यूज होते हैं। नॉर्मल जो बाइक्स होती है उनके अंदर रेडियल टायर यूज नहीं होते भाई नॉर्मली। और इसके अंदर पीछे वाले टायर की साइज भी देखी जाए तो वही टायर की साइज रखी भाई, यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे पूरी डिटेल दे रखी है, 130x70 का यहाँ पर टायर साइज रख रखी है। पीछे का टायर RS के कंपेयर में करें तो थोड़ा छोटा है, बट यह है कि 160cc के हिसाब से बहुत सही टायर इसके साइज रखी गई है। उसका साउंड वगैरह सुना देता हूँ, तो इसका जो अपना एग्जॉस्ट वगैरह बताया अंडर बेली मिलता है भाई तुमको नॉर्मली, जो तो
तो ये इसका नॉर्मल साउंड आता है। सारी डिटेल इस बाइक के अपन ने शेयर करी इस वीडियो के अंदर। और भी अगर नॉर्मली बात कर जाए तो इसके अंदर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलने वाला है। तुम्हारा न्यूट्रल वगैरह जो पहले आता था वो सब चीज़ इसके अंदर नहीं है। और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है इसके अंदर। स्प्लिट सीट तुमको मिल जाएगी, आराम से स्प्लिट सीट यूज़ कर सकते हो। स्टैंड कट ऑफ सेंसर है। इंजन वगैरह देखा जाए 160 का है। मोनोशॉक एब्जॉर्बर है जो कि बाइक के बीच में प्लेस किया गया है। ये सारी डिटेल इस बाइक के अंदर थी। अब जो मेजर चेंज हो अगर इसके अंदर किया गया तो इसके अंदर सॉकर के अंदर भी चेंज किया है। पहले जो होता था ये अपोजिट आता था, बट अब जो इसको पूरा चेंज कर दिया है। अब जो अपना सॉकर आता है वो नीचे की साइड होता है, ये जो होता था पहले ऊपर की साइड होता था। ये मेजर चेंज इसके अंदर किए गए हैं जो कि बहुत बड़े, मतलब कि देखा जाए तो NS के अंदर और N160 के अंदर ये मेजर अपडेट्स हैं जो इन बाइकों के अंदर दिए गए हैं, जो कि एक बजाज की तरफ से नया इनोवेशन है जो कि मैं खुद भी पर्सनली पसंद कर रहा हूँ। बट ये कि जो इसका मीटर वगैरह है ये RS के अंदर ना है तो अच्छा रहेगा। RS के अंदर मतलब मीटर जो है अगर देखा जाए तो एनालॉग प्लस डिजिटल ही अच्छा लगता है भाई, क्योंकि जब RPM की जो मतलब कि जो वो होती है सुई होती है ना, वो जब ऊपर जाती है तो वही ज़्यादा अच्छी लगती है इन डिजिटल्स के वगैरह में। बाकी ये सारी फीचर्स बाइक के अंदर तुमको मिल जाएंगे। फुली लोडेड पूरी बाइक है भाई। अगर इसके आप रेट वगैरह की बात करें, ऑन रोड अगर इसकी रेट वगैरह की बात करें तो 172 दौसा राजस्थान के हिसाब से ये है भाई। 172,000 के तुमको मिलेगी है। अगर तुम लेना चाहते हो इसको तुम ले सकते हो आराम से, तुम्हारी मर्जी है तुम लेना चाहो। मैंने बाकी इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल शेयर कर दी है, क्या क्या इसके अंदर फीचर्स थे, क्या क्या इसका माइलेज था, क्या इंजन की टॉर्क वगैरह था, क्या इसका माइलेज था, सारी चीज़ें मैंने इसकी टायर साइज वगैरह, ABS वगैरह, फ्यूल सिस्टम, सारी चीज़ मैंने तुम्हारे शेयर करी है। बट ये अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नहीं तो क्या चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कभी तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ मस्त खाते पीते।